दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया की ग्रोथ पर विश्वास है, अगर आपको भी लगता है कि इंडिया कुछ 5-6 सालों में बहुत आगे ग्रो करने वाला है, तो उसी डेवलपमेंट का फायदा उठाकर आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। जहां पर जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे आपका भी बिजनेस ग्रो करना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही एवरग्रीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, सदाबहार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जो कि आप सालों साल ये चलने वाला है। और सबसे मेन बात कि गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को सपोर्ट करती है, अलग अलग टेंडर्स निकलते हैं। जो भी ये लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए अलग अलग टेंडर्स निकलते हैं, लाखों करोड़ों के टेंडर्स होते हैं, जिससे आप वो जो टेंडर्स है इस सेटअप को लगाकर पूरी कर सकते हो। जहां पर आप ये बिजनेस से महीने का 1-1.5 लाख की कमाई कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, अच्छी मेहनत करते हो। क्या है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरशाद खान और आरके टाइल मशीनरी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे इस पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग डिमांड उनके पास काफ़ी आ रही है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि आप पेवर ब्लॉक्स बनाइए और सरकार को दीजिए। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप बिजनेस कर सकते हैं कम इन्वेस्टिंग में, जो कि आने वाले 8-10 साल में इंडिया को टॉप लेवल पे लेके जाएगा। और इस पेवर ब्लॉक के बिजनेस में प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है, डेली का आप 8-10 हज़ार प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम लोग पेवर ब्लॉक बनाने के बिजनेस में हेल्प करते हैं कस्टमर्स को, जिनको भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है उनकी हम इसमें हेल्प करते हैं। पेवर ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, कम कॉस्टिंग में अच्छा पेवर ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ पेवर ब्लॉक की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी भी टिप्स दी जाती हैं। और पेवर ब्लॉक से हर जो रिलेटेड क्वेरी होती है या कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, उसको हम हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, अगर आपको लेबर की जरूरत है, ट्रेन लेबर्स, उसकी भी हम टीम प्रोवाइड करते हैं, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सर, ये जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं, जिसे इंटरलॉकिंग टाइल्स भी कहा जाता है, इसकी डिमांड क्यों है मार्केट में, मतलब इतनी ज़्यादा क्यों है, या फिर इस बिजनेस का फ्यूचर कितना बड़ा है, वो ज़रा बताइए। देखिए, बेसिकली क्या था कि हमारे जो रोड्स होते थे, गलियां होती थी, पहले RCC सीमेंट की बनती थी। उसको क्या क्या गवर्नमेंट ने बैन किया, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट का कॉस्टिंग ज़्यादा आता था। जैसे एक गली बनी, फिर बाद में क्या होता था, उसमें कोई नाली बननी है या कुछ चीज़ बननी होती है, तो वो पूरा रोड हटा दिया जाता था। तो गवर्नमेंट का पैसा भी वेस्ट होता था। तो ये कॉन्सेप्ट आया, धीरे धीरे मार्केट में आया कि पेवर ब्लॉक्स बनाए जाएं। गवर्नमेंट ने ये टेंडर निकाले कि आप गलियों में पेवर ब्लॉक्स बनाइए, क्योंकि वो 8-10 रुपए में कॉस्टिंग आ जाती है पेवर ब्लॉक्स की गवर्नमेंट को। और अगर वो मार्केट में RCC रोड बनाते थे, तो उनमें उनका इन्वेस्टमेंट लगता था 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जाता था। और वहीं उसी जगह हम पेवर ब्लॉक्स लगाएं, तो वो मात्र 2 लाख रुपए में पूरा कवर हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़, जैसे अगर कोई नाली या कुछ बनना है, तो ये पेवर ब्लॉक्स एक जगह से उठ के वापस आ जाते हैं, और वहाँ नाली बन के उन्हीं पेवर ब्लॉक्स को वापस लगा दिया जाता है। तो इसकी डिमांड धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रही है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट से इस बिज़नेस का। इस बिज़नेस की खास बात यह है कि इसमें आपको सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट इसमें आपकी हेल्प करती है सब्सिडीज़ के द्वारा, 15-20% आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी इस बिज़नेस के द्वारा, और काफ़ी सपोर्टिव रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से नए नए टेंडर्स निकाले जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने बिजनेस को और अपने रोजगार को बढ़ा सके। तो सर, ये इसका मतलब क्या होता है, पेवर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स क्या होती है, और ये बाकी जो टाइल्स होती है उनसे डिफरेंट क्यों है, वो ज़रा बताइए। देखिए, पेवर ब्लॉक्स बेसिकली पेविंग टाइल्स इन्हें कहा जाता है, पेविंग जो कि रोडों पे बिछती है, फुटपाथ पे लगती है। पेवर ब्लॉक्स को इंटरलॉकिंग टाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक के अंदर एक इंटरलॉक हो जाते हैं और इजीली फुटपाथ पे रोड्स पे बिछ जाते हैं। तो दोस्तों, आगे सर बताएंगे ये जो पेवर ब्लॉक बनाने का बिजनेस है, या फिर जिसे इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का बिजनेस है, वो आपको कैसे करना है, राइट? आप कौन से अलग अलग शेप के पेवर ब्लॉक्स या फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स आप बना सकते हो, बना तो सब लेते हैं, बेचना कैसे है, और मेन चीज आपको प्रॉफिट कितना होगा, लाइसेंस क्या लगेगा, जगह कितनी लगेगी, सारी A to Z जानकारी इस बिजनेस के बारे में सर हमें देने वाले हैं। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे हैं, तो आप उसे ऑफ कर सकते हो। ऊपर CC करके बटन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में जो सबटाइटल चल रहे हैं वो ऑफ हो जाएंगे। और सर की मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी हम लोग नए नए अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं, वो आपसे मिस ना हो जाए। पेवर ब्लॉक्स बिजनेस शुरू करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए हमें लगता है 1-2 वाइब्रेशन टेबल, और उसके लिए लगता है कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन, और इसमें एक लगता है कलर पैन मिक्सर मशीन। सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम बनाते हैं कलर का पेस्ट। जिस भी आपको पेवर ब्लॉक्स बनाना है कलर का, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, पहले उसका पेस्ट तैयार करेंगे हम। ये हमारा सिलिकॉन केमिकल हार्डनर,
जो हमारे टाइल और पेवर ब्लॉक में चमक आती है वो इसी केमिकल हार्डनर की वजह से आती है। नेक्स्ट जो हमारे रॉ मटेरियल लगता है वो है सैंड। हम रिवर सैंड भी यूज कर सकते हैं, डस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा जा रहा है डस्ट सैंड। क्रशर सैंड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसको हमारे मिक्सर में डालेंगे। अब इसमें हमारा जाएगा सीमेंट। अब इसमें हम डाल रहे हैं सीमेंट। अब हमारा आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑन हो चुका है। हमारा जो सीमेंट और सैंड है जो हमने डाला था वो अब मिक्स हो रहा है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपना केमिकल हार्डनर। पानी में डालना है क्या? पानी में डाल रहे हैं जी। अब हम इसको पानी और केमिकल का जो मिक्सचर है वो इस पेस्ट में डाल रहे हैं ताकि जो पेस्ट है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए और अच्छी क्वालिटी का बने। अब इसको हिलाते रहना है ताकि पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी जो हम लोग आपको बिना कलर के पेवर ब्लॉक और टाइल बना के दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको कलर वाला पेवर ब्लॉक या टाइल बना के दिखाएंगे। हमारा टॉप लेयर तैयार हो चुका है। अब हम इसको तसले में डालेंगे मटेरियल को। जैसे पहले आपको मैंने बताया था पेवर ब्लॉक बनाने के लिए दो लेयर का यूज़ होता है। पहला होता है फर्स्ट लेयर जिसे हम टॉप लेयर कहते हैं। टॉप लेयर इसमें 10 से 12 mm तक जाती है, यहाँ तक ही जाती है। जो दूसरी लेयर है हमारी कॉन्क्रीट लेयर, अब हम उसका मटेरियल तैयार कर रहे हैं। जो हमें सेकंड लेयर के लिए रॉ मटेरियल तैयार करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सैंड, डस्ट या क्रशर सैंड। इसी के साथ इसमें रहता है कॉन्क्रीट। 10 mm और 20 mm मिक्स करके हम कॉन्क्रीट इसमें ले सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हमारा सीमेंट। यह हमारा कॉन्क्रीट पहले हम मशीन में डालेंगे। आप इसमें केमिकल मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ। पानी मिक्स कर रहे हैं ताकि माल अच्छे से मिक्स हो। अब हम इसमें डाल रहे हैं सीमेंट ताकि पेस्ट अच्छे से तैयार हो सके। अब हम इसमें डाल रहे हैं सैंड, रिवर सैंड या क्रशर सैंड। ये हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। इसमें हमारा बॉटम लेयर अभी मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पलटेंगे इस साइड में। आप देख सकते हैं हमारा बॉटम लेयर जो बैक लेयर कहते हैं वो तैयार हो चुका है। हमने फर्स्ट लेयर भी तैयार कर लिया है और हमारा सेकंड लेयर जो तैयार हुआ है इसमें हमने कॉन्क्रीट ऐड किया है। फर्स्ट लेयर में कॉन्क्रीट नहीं जाता है, सेकेंड लेयर में कॉन्क्रीट जाता है जो बैक लेयर होता है। तो पेवर्स ब्लॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोल्ड्स, सिलिकॉन प्लास्टिक पेवर मोल्ड्स। ये आप देख सकते हैं, ये है जिगजैग शेप और ये है हमारी आई शेप। आपको जिस भी तरह का शेप का डिज़ाइन का पेवर्स ब्लॉक्स टाइल्स जो भी चाहिए होता है वो आप इन ब्लॉक्स के ज़रिए बना सकते हैं। हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग शेप के यहाँ पे पेवर ब्लॉक मोल्ड्स हैं। जिस भी शेप के आपको डिज़ाइन बनाना है, वैरायटी बनानी है, आप देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग शेप है यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाएंगे ग्रे या विदाउट कलर का जो पेवर ब्लॉक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है वो बनते हुए। हम कलर लेयर इसमें फिल कर रहे हैं और ये जो वाइब्रेशन टेबल से ये पूरी तरह से सेट हो रहा है। जो पहला लेयर है वो हम सिर्फ नीचे तक भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। अब ये धीरे धीरे पूरा वाइब्रेशन से सेट हो रहा है। जैसे ही इसको वाइब्रेशन टेबल पे रखते हैं पीस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाता है, पूरा प्रॉपर वाइब्रेशन ले लेता है और जो लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाता है। ये टेबल अपने आप वाइब्रेट करता है पूरी मशीन को, इसलिए इसको वाइब्रेटर टेबल मशीन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि मटेरियल अंदर कैसे वाइब्रेट हो रहा है और पूरे कॉर्नर्स तक अच्छे से सेट हो पा रहा है। पीस ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है अच्छे से वाइब्रेशन होके। हमें जितना प्रोडक्शन करना था मोल्ड में हमने फर्स्ट लेयर तैयार कर दिया है। अब हम बॉटम लेयर से इसको पूरा फिल आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम बॉटम लेयर डाल रहे हैं। जो हमने पहले मिक्सर बनाया था अब हम उसको पूरी तरह से
भर देंगे। हमने जो मोल्ड है वो पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से फिल आउट कर दिया है। अब हम सेकंड वाइब्रेशन टेबल को ऑन करेंगे और सेम प्रोसेस इसको वाइब्रेट कराएंगे ताकि जो हमारा पूरा लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए और जो पूरा मटेरियल वो अच्छे से धस जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं वाइब्रेशन करने से टाइल की और पेवर की जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छे से आती है, स्ट्रेंथ अच्छे से आती है और जो कर्वनेस है वो पूरा कवर हो जाता है, बहुत अच्छे से फिनिश देता है। ये जितने हमारे ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा सेकंड लेयर पूरा अच्छे से वाइब्रेट होके आ जाता है पीस, इसके बाद हम इसको सुखाने के लिए प्लास्टिक प्लाई शीट पे लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग पेवर ब्लॉक्स दिखते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज। आप किसी भी तरह का पेवर ब्लॉक बनाने के लिए आप टॉप लेयर में रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक कोई भी कलर डाल सकते हैं। अभी हम रेड कलर डाल रहे हैं, इंपोर्टेड कलर है ये हमारा, इससे अच्छी क्वालिटी की शाइनिंग आएगी। तो हमारा रेड कलर का पेस्ट रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी हाई शाइनिंग में मटेरियल बना है। अब हम आई शेप के अंदर कलर लेयर डाल रहे हैं। ये भी हम इसको नीचे तक ही भरेंगे, इसको वाइब्रेशन के लिए आगे ऑटोमेटिक टेबल लेके जाएगा। अब हम जिगजैग शेप भर रहे हैं, जिगजैग भी हम इतना ही भरेंगे ताकि अच्छे से फिल आउट हो सके। ये भी वाइब्रेशन होके अच्छे से पीस ऑटोमेटिक आगे जा रहा है। जिस भी कलर का आपको पेवर ब्लॉक या टाइल बनाना होता है पहले फर्स्ट लेयर कलर का जाता है। कंटिन्यूसली वाइब्रेट होके पीस आगे ऑटोमेटिक जा रहा है। कि जो हमारा टॉप कलर लेयर है वो अच्छी तरह से मोल्ड में सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम हमारा जो कॉन्क्रीट लेयर है बैक लेयर, उससे पूरे मोल्ड को फिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा कलर है वो पूरा आउटर लाइन को कवर कर चुका है, ये सिर्फ हो रहा है वाइब्रेशन की वजह से। अब हम इसके ऊपर प्लाई शीट रखेंगे ताकि जो हमारा ब्लॉक्स है वो अच्छे से सेट हो सके और हिले ना, ताकि इसकी जो पीछे की लेयर है वो अच्छे से मेंटेन रहे। अब हम इसको 12 घंटे के लिए सुखाने के लिए रखेंगे। 12 hours later. आइए देखते हैं कल हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे डेमो के लिए उनका कैसा फिनिश आया है। 15 से 18 घंटे हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे हमारा फिनिश। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम ठोस हो चुका है, एकदम पत्थर जैसा। अब हम इसको पलटेंगे, डीमोल्ड करेंगे और आपको फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दिखाते हैं कैसा आता है। मोल्ड को आपको ऐसे पलटना है, तुरंत आपका ये पेवर निकल के आ जाएगा एकदम क्वालिटी वाला और मोल्ड में भी फिनिश अच्छा आएगा, साथ में पेवर आपका क्लीन निकलेगा। मोल्ड को आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो, फिर से इसमें पेवर जो टाइल बनाना है, ब्लॉक बनाना है, आप बना सकते हो। फिनिश कितना अच्छा है, टॉप सरफेस पे पूरा पेवर अच्छे से कवर हो गया है, साइड की बाउंड्रीज पे कलर अच्छे से फैल गया है, पूरा टॉप हाई ग्लॉस शाइनिंग वाला फिनिश आया है पेवर पे। जो टॉप सरफेस का पैटर्न है वो कितने अच्छे से फिनिश करके आया है, एकदम हाई ग्लॉस शाइनिंग में आया है। जो हमारे ग्रे कलर के थे बिना कलर विदाउट कलर के, वो प्रोडक्ट भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये एकदम से हाई क्वालिटी पेवर बन चुका है, आप मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं, रेडी है ये सेल के लिए। आप इसको लोड करके मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। आप इस तरह से चट्टा जमा के पेवर ब्लॉक्स का स्टैक कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं पूरा मार्केट में और बेच सकते हैं। तो सर ये जो पेवर ब्लॉक या फिर हम लोगों ने इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाया हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो जरा बताइए। फेंकिए, हमने इनको फेंका और इनकी स्ट्रेंथ देखिए, इनके ना तो कॉर्नर ब्रेक हुए ना कुछ ब्रेक हुआ, फिनिश भी टॉप बरकरार है। जब ये कस्टमर एंड पे लगता है, फुटपाथ पे लगता है, इस तरह से इंटरलॉक करके लगाया जाता है पेवर ब्लॉक्स को। जब इसकी सड़क बनती है ये फुटपाथ पे इंटरलॉक होते हैं, उसके बाद जो गाड़ियाँ इस पर चलती हैं वो 40
टन से 50 टन तक की क्षमता ये झेल सकते हैं। ज़्यादातर ये पेट्रोल पंप्स पे लगता है क्योंकि उस पे बड़ी बड़ी हैवी लोडेड गाड़ियाँ आती हैं और ये पेवर उसको इजीली इसका जो वेट होता है गाड़ी का जिसमें जितना भी वेट हो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं पेवर ब्लॉक्स, एक आई शेप डिज़ाइन और एक ये पेवर ब्लॉक जिगजैग डिज़ाइन। बाकी अदर डिज़ाइन आपको प्राइवेट सेक्टर में आप सेल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स और पेवर ब्लॉक्स। उसी सेम सेटअप से आप पेवर ब्लॉक के साथ साथ टाइल्स भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर से, सेम मशीन से। बस उसके लिए आपको एक मोल्ड लेना है, टाइल्स मोल्ड। इसका भी सेम प्रोसीजर होता है, पहले कलर लेयर डाल दिया, फिर कॉन्क्रीट लेयर डाल दिया, वाइब्रेट करा के इसको नेक्स्ट डे ओपन करके सेम शेप बना सकते हैं। ऊपर हमारे ये टाइल्स बने हुए हैं अलग अलग फ्रेम से, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइंस, अच्छी क्वालिटी में, अलग अलग कलर में। इस तरह से आप पेवर ब्लॉक्स और साथ ही चेकर टाइल्स, रैम टाइल्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें सीमेंटेड पार्क बेंचेस बना सकते हैं जो रेलवे वगैरह में, पार्कों में चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोडों के बीच में डिवाइडर लगे रहते हैं जिन्हें हम कर्ब स्टोन्स कहते हैं, वो भी इसी मशीन से बनाए जाते हैं। आजकल कवर ब्लॉक्स की भी डिमांड आती है, जब हम घर वगैरह बनाते हैं तो लेंटर के नीचे पत्थर अटका दिया करते थे, लेकिन आजकल कवर ब्लॉक्स, गुट्टी उसे बोला जाता है हिंदी में, वो भी इसी मशीन से बनाते हैं। साथ ही साथ ब्रिक्स, जो आजकल घरों में ब्रिक्स चल रही हैं, जैसे कई स्टेटों में भट्टे बैन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, तो अल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सीमेंटेड ब्रिक्स बनाइए, तो उसके भी फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ब्रिक्स भी आप इसी मशीन से बना सकते हैं, सीमेंटेड जाली हो गया, सीमेंटेड पोल हो गया, हर वो सीमेंट का आइटम आप जो देखते हैं वो इसी मशीन से बना सकते हैं। हम पे वो सारे फर्मे, मोल्ड्स सब अवेलेबल होता है। तो ये जो पेवर ब्लॉक्स है वो कैसे बिकता है, कितने में बिकता है, और अगर वो बनाता है तो एक पेवर ब्लॉक पे उसको कितना प्रॉफिट होगा, वो सारा सब कुछ समझाइए। बिल्कुल, एक टाइल पे आपको 3 से 4 रुपए का मार्जिन प्रॉफिट अच्छे से मिलेगा, और डेली का जो मशीन का कैपेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाता है 2000 से 3000 पीस का बनाने का। अगर आप डेली का 2000 पीस भी बेचते हैं और 3 रुपये आपका मार्जिन है, डेली का आप 6000 रुपये कमा सकते हैं, और मैं बात करूं महीने का तो आप 180000 का बिजनेस शुरू कर सकते हैं मिनिमम ओनली 1-2 डिज़ाइंस के ज़रिए। बाकी जितना आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, 5000 10000, उसी हिसाब से हमारे पास मशीन है, वो बढ़ती जाती हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा। और सर, ये जो पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ये मार्केट में मतलब एक जो टाइल है वो कितने तक बिकता है, एमआरपी क्या रहता है? एमआरपी सेलिंग रेट, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं उसमें आपका ये पेवर 12 रुपए तक का सेल होता है, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में 15 रुपए तक में सेल आउट होता है, एक ब्लॉक। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आपको ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, जैसे कि 1 लाख पीस 2 लाख पीस, या गवर्नमेंट आपको सड़क दे देगी 20 किलोमीटर दायरे में आपकी टाइल लगेगी, इसलिए उसमें 2 से 3 रुपए का मार्जिन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में ऑर्डर क्वांटिटी कम होती है लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, 6 से 7 रुपए तक प्रॉफिट आपका चला जाता है। ऑर्डर क्वांटिटी के तौर पर 10,000 ब्लॉक 20,000 ब्लॉक पर पीस ऐसे आपको ऑर्डर मिलेंगे। मिनिमम जगह कितनी लगेगी ये बिजनेस शुरू करने के लिए? मिनिमम जगह मैं बात करूँ 200 गज होता है मिनिमम गज में, स्क्वायर मीटर में अगर मैं बात करूँ तो आपको 1400 या 1500 मिनिमम स्क्वायर फिट जगह आपको चाहिए। मैक्सिमम आप जितनी रखना चाहें वो आपके स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका स्टॉक होगा मार्केट में आप उतने ज़्यादा हाई लेवल पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर मिस नहीं होंगे आप। और लाइसेंस वगैरह? लाइसेंस के तौर पे मेन होता है सर जीएसटी नंबर, जीएसटी आप ले सकते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा। बाकी ये कोई पॉल्यूशन वगैरह का काम नहीं है तो इसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और सर, मिनिमम लेबर कितनी लगती है, कुछ मतलब ट्रेंड लेबर लगेगी, कैसा रहता है? इसके लिए बेसिकली 7 से 8 लेबर की जरूरत होती है, 7 to 8 काम को स्टार्ट करने के लिए, और ट्रेन खर्चा निकल जाता है क्या? खर्चा निकल जाता है, जो मैंने कोस्टिंग बताई, जो प्रॉफिट बचाया, वो सब लेबर सारा चीज इंक्लूड करके उसके बाद आपको 3 रुपए बचेगा। अच्छा। और साथ ही साथ इसमें ट्रेंड लेबर की भी टीम होती है, अनट्रेंड भी होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारा सजेशन ये रहता है कि आप शुरू में 2-3 महीने ट्रेंड लेबर से काम करवाइए, ताकि आपके बिजनेस में, नए नए बिजनेस में कोई दिक्कत परेशानी ना आ सके। बना लेंगे तो, बट उसका मार्केट कहाँ कहाँ पर है, कस्टमर्स मेरे पास कहाँ तक आएंगे, वो जरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। जितनी भी मार्बल मार्केट में शॉप्स हैं उन पर सैंपल रखना होगा, साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा, जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी आपको अपना कॉन्टैक्ट बनाना होगा, और ऑनलाइन मार्केटिंग में बात करूँ तो आप जस्ट डायल के द्वारा, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप खुद की भी वेबसाइट बना के इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बेस्ट होता है इंस्टाग्राम्स
रील्स फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए आप अपना पेज बना के चैनल बना के इसको ग्रो कर सकते हैं और इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो सर अगर किसी को ये पेपर ब्लॉग बनाने का या टाइल्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है जी, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और क्या क्या देने वाले हो आप? हम 2.5 लाख में कंप्लीट सेटअप देते हैं पेवर ब्लॉक्स बनाने का। पेवर ब्लॉक मशीन में आपको क्या क्या आइटम्स मिलेंगे मैं बताता हूँ। इसमें रहेगा आपका 2 वाइब्रेशन टेबल मशीन, हैवी क्वालिटी में रहेगा। इसी के साथ इसमें रहेगा एक कलर पेन मिक्सर मशीन कलर के लिए, एक रहेगा कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन आपका कॉन्क्रीट बनाने के लिए। साथ ही साथ इसमें हम देते हैं प्लास्टिक शीट्स जिसपे मटेरियल वगैरह रखा जाता है। उसी के साथ इसमें एक रहता है केमिकल हार्डनर का ड्रम 250 kg का। साथ ही साथ इसमें रहेगा एक बैग कलर का, रेड कलर का। साथ में एक 10 pairs हम देते हैं ग्लव्स, हैंड ग्लव्स फॉर लेबर वर्क। साथ में हमारा रहता है एक ट्रॉली जो कि मटेरियल को स्टैक करने के बाहर निकालने के काम आता है। और इसी के साथ इसके अंदर रहते हैं 1000 pieces सिलिकॉन प्लास्टिक पेवर मोल्ड्स, कस्टमाइज मोल्ड्स होते हैं जिसमें कस्टमर्स के लिए चॉइस है। आप या तो कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, 1000 pieces मिलेगा। आप हाफ हाफ भी ले सकते हैं, 500 500 या कोई सा भी इसमें से डिज़ाइन ले सकते हैं। जो पेवर ब्लॉक बनाने के लिए जो मशीन्स का यूज़ होता है पेवर ब्लॉक मशीन, वो हम यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो मशीन की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं हम, ताकि जो आप हमारी मशीन से हाई क्वालिटी पेपर ब्लॉक्स बनाएं उसकी क्वालिटी और अच्छी स्ट्रेंथ आ सके। पेपर ब्लॉक बनाने के लिए जो सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड्स होता है वो हम पे पूरा स्टॉक रेडी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पे 15,000 से 20,000 एट अ टाइम रेडी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको भी ये पेवर ब्लॉक बनाने का बिजनेस या फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, एड्रेस भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके या फिर खुद यहाँ पर आकर सब कुछ देखकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।